गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली तो और अच्छी होगी। तो गाइस आज मैं आपके लिए बहुत तगड़ी लर्निंग वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन। ठीक है, आप अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल में रख सकते हो ट्रेडिंग करते टाइम। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले भाई देख लो, मेरा भी लॉस होता है। ठीक है, मेरा भी लॉस हुआ है, मेरा भी लॉस होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा कभी लॉस नहीं होता, बिल्कुल होता है, ऐसा कुछ नहीं। जो एक एक्सपीरियंस पर्सन रहता है उसका मैक्सिमम मतलब 20-25 ट्रेड लेगा, 10-15 ट्रेड लेगा, तो उसमें 2-3-4 ट्रेड लॉस होंगे एंड प्रॉफिट ही करेगा। तो गाइस देखो मेरा भी लॉस होता है, तो मैं एक चीज पहले ट्रेड हिस्ट्री हाइड कर देता हूँ, नहीं तो बार बार आपका ध्यान नहीं जाएगा, आप लर्निंग नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको देखो जो है खुला बता रहा हूँ, मैं अपना टेलीग्राम चैनल 14-15 दिन से खोला हूँ। ठीक है, और जो यूट्यूब पे लोग आए हैं करीब 5-6 महीने 4 महीने से, तो उनका चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उनका चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा है, तो वो अपने टेलीग्राम दूसरे के टेलीग्राम में आएंगे और अपना प्रमोट करेंगे लाइव, सब बंदों को अपना आईडी सेंड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो आज मेरे लाइव स्ट्रीम में ऐसा ही हुआ कुछ, और वो मुझे बोले कि तुम इतने जल्दी कैसे ग्रो हो रहे हो, मतलब मुझे प्रूफ मांगने लगे दुनिया भर का, टर्नओवर से बना रेवेन्यू से बनाते हैं टर्नओवर से। तो भाई मैंने उनको तुरंत लाइव स्ट्रीम एंड करके उनको प्रूफ दिया कि लो देख लो भाई, मैं टर्नओवर से अपना बनवाता हूँ और बंदों का प्रॉफिट करवाता हूँ। वो लोग को जानते हो क्या जलन है, वो लोग को यही जलन है कि ये इतनी जल्दी ग्रो कैसे हो गया यूट्यूब पे। आप सोचो कि 14-15 दिन के अंदर मैं YouTube पे छा गया। ठीक है, आप जाके देख लेना, 14 दिन से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, पूरा छा गया, क्योंकि मेरे पास नॉलेज, मैं अपने लर्निंग के दम पे यहाँ तक आया हूँ। एंड आप मेरे सब्सक्राइबर भी देख सकते हो यूट्यूब पे कितने तेजी से और टेलीग्राम पे कितनी तेजी से बढ़े। मैं इतना तेज ग्रो कर रहा हूँ ना कि इन लोगों को वो मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब ये लोग समझ रहे कैसे ये ग्रो हो गया। तो भाई मैंने उतना घिसा है, उतना रख रहा है, 16-16 घंटे 12-12 घंटे प्रैक्टिस की है। ठीक है, मतलब इतना लर्निंग लेके तब यूट्यूब पे मिला मेरा। मैं देखो एक प्लान से चलता हूँ और अपना प्लान कभी फेल नहीं करना चाहता, इसलिए मैं हमेशा सक्सेस रहता हूँ। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि कुत्ते भौंकते हैं भौंकने दो, लेकिन तुम लोग अपने रास्ते चलो। ठीक है, कुत्तों का काम है भौंकना। तो लोग मेरे लाइव स्ट्रीम में आके दुनिया भर का प्रूफ मांग लिया, मैंने दिखा दिया, लो भाई देख लो, पब्लिक ग्रुप में सबके सामने भेज दिया, लो भाई मैं देखो टर्नओवर से बनवाता हूँ। जानते हो ये लोग क्या करते हैं, अब आते हैं तुम्हारे लाइव स्ट्रीम में, तुम्हारे पब्लिक अपने पे खींच के लेके जाएंगे और खुद बनवाएंगे रेवेन्यू से, तुम्हारा लॉस करवा देंगे। ठीक है, देखो एक चीज याद रखना, मार्केट में 110% कोई भी नहीं है। तो जानते हो मैंने 6 दिन से अपने पब्लिक में श्योर शॉट सिग्नल दिया, भाई मैं अपना एफर्ट दे रहा हूँ तो लोगों को फीडबैक देना चाहिए, लेकिन नहीं दिए। तो याद रखो, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया था पब्लिक ग्रुप में सिग्नल देना। लेकिन आप खुद सोचो, अगर मैं 6 दिन से पब्लिक ग्रुप में श्योर शॉट सिग्नल दे रहा हूँ भाई, अब इस फ्राइडे के मार्केट बहुत रिस्की था, तो मैंने क्या किया जानते हो, मैंने एक चीज किया कि चलो आज सिग्नल देके देखते हैं। मैंने उस दिन सिग्नल दिया, मेरा बैक टू बैक 2-3 लॉस चला गया। ठीक है, वो लोग जानते हो क्या किए, उसका वीडियो बना के भेज दिए, यूट्यूब पे डाल दिए कि भाई ये PLT स्कैम है, ये वगैरह वगैरह, देखो कैसे बैक टू बैक लॉस करा रहा है। अरे भाई वो भी जाके वीडियो बनाना जो मैंने बैक टू बैक 6 दिन से शॉर्ट दिए हैं। अगर आप 30 दिन में से 25-26 दिन प्रॉफिट कर रहे हो, अगर 1-2-3-4 दिन लॉस कर रहे हो, अगर मार्केट आपका पैसा खाना चाह रहा है, आपको बचाना चाहिए कितना यूज करना है कितना नहीं ना। अगर एक दिन यार मतलब 2-3 दिन एक दिन लॉस, एक ही दिन लॉस हो बस पब्लिक ग्रुप में एक दिन यार, और 6 दिन मैंने बैक टू बैक श्योर शॉट प्रोवाइड किया है सबको, तो उसमें इतना बड़ा इशू बन गया कि ये वो कर दिया, लॉस करवा दिया। अरे भाई समझो, तो मेरे पास, मैं भी भगवान नहीं हूँ, लेकिन मार्केट अच्छा। आप गाइस मुझे एक बात दिल से बताना, सीरियसली बताना, आप लोग भी ट्रेडिंग लाइन में इतने दिन से हो, अगर यहाँ से 12-12 कैंडल लगातार ऐसे मार्केट बना दे रहा है ग्रीन, और 12-12 कैंडल ऐसे लगातार रेड बना दे रहा है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो। अगर आपका कुछ फॉलो नहीं होगा, जितना आपने सीखा है नॉलेज गेन किया, अगर वो फॉलो नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे गाइस। मैंने 2-3 ट्रेड लॉस जाने के बाद तुरंत सिग्नल बंद कर दिया, मैंने उनको कहा, सेशन एंड किया, मैंने उनको कहा भाई मंडे को आओ रियल मार्केट में उतरेंगे और तबाही मचा देंगे, बता रहा हूँ। बैक टू बैक श्योर शॉट की बरसात कर दूंगा पब्लिक ग्रुप में कल। ठीक, कल मंडे है ना, कल बैक टू बैक पब्लिक ग्रुप में बरसात कर दूंगा। ठीक है, श्योर शॉट सिग्नल की, तो मैंने उनको इतना कहा। ये वीडियो कल अपलोड करूंगा, आप लोग भी देखना, तो आ जाना देख लेना मेरे श्योर शॉट सिग्नल। तो वो लोग बहुत इशू बना दिए, भाई मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन आप खुद बताओ, अगर ऐसे कैंडल बना रही है 12-12 अगर बना दी ग्रीन, तो आप क्या करोगे। 12-12, 13-13 अगर रेड बना दे रही है, तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं फॉलो हो रहा है। आप समझो, जो जिस स्ट्रेटजी से, जिस एनालिसिस से, जिस अपने मतलब किस लेवल के लर्निंग आपने किया है, अगर उससे 30 दिन में से 28 दिन 29 दिन 26 दिन प्रॉफिट कर रहे हो, अगर एक दिन लॉस कर दिए, तो क्या आप उसको गलत बोलोगे। आप ही बताओ, क्या उसको गलत बोलोगे। मार्केट, क्या मैं भगवान हूँ, लॉस मेरा नहीं हो सकता है। अगर ये चीज वर्क नहीं करेगा, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा वर्क नहीं करता, उसके लिए कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से पुट की ट्रेड लेने वाला हूँ फिलहाल मैं आपके सामने। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा वर्क नहीं करता, मैंने ये हमेशा बताया, लेकिन हाँ वो वर्क करता है जहाँ पे WSB, WRSR, WSB मार्केट का स्ट्रक्चर, कैंडल की साइकोलॉजी, कैंडल की बिग एंड बॉडी। देखो पहले, सबसे पहली बात ना, आपको एक कैंडल को रीड करना आना चाहिए, एक इस कैंडल की साइकोलॉजी क्या बता रही है, ये क्या बता रही है, ये सब आपको आना चाहिए। तो मैं टॉपिक, देखो यार मैं भी भगवान नहीं हूँ, लेकिन हाँ अपने प्रिडिक्शन के दम पे अपने VIP मेंबर का डेली 10-20% गेन करवाता हूँ। ठीक है,
मैं देखो एक चीज बता दूं, पीएलटी के जैसा ना आज तक कभी कोई पैदा हुआ ना, किसी के माँ बाप में हिम्मत है कि वो पैदा कर दे। पीएलटी एक ही है और आग है, तबाही मचा दिया यूट्यूब पे, 14 दिन के अंदर तबाही मचा दिया। तो इतने मेरे हेटर्स पैदा हो गए ना कि कह रहे हैं कि ये मेंटोरशिप कर रहा है वो। अरे भाई लर्निंग लो ना, जाओ यूट्यूब पे, इतने पढ़ी है चीजें, जाओ। आज तक आप ट्रेडर क्यों नहीं बने? तो बताता हूँ फिर की चीजों की कभी वैल्यू नहीं होती, ये समझ के रहना, ठीक है? मैंने भी अपने खुद मेहनत से गेन किया, 2.5 लाख रुपए, इसमें 3 लाख रुपए डाल के ना एक कैंडल को 12-12 घंटे लेके बैठा हूँ, तब जाके आज यहाँ पे हूँ, ठीक है? वो तब आज जाके हर एक कैंडल को रीड कर पाता हूँ, ठीक है? ऐसे नहीं कर पाता हूँ मैं, जाके मेरी प्रीवियस वीडियो सारे देख लेना, ठीक है? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करना। देखो गाइस, अगर सपोर्ट ना कर सको तो उसको कभी, जो आगे बढ़ रहा है उसको गिराना मत कभी, ठीक है? क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है यार यहाँ तक आने के लिए। 14 दिन में सोचो, 14 दिन में मैंने अपने यूट्यूब को इतना ग्रो कर दिया, कोई कर पाएगा क्या? या कोई अपने टेलीग्राम में इतना मेंबर, जहाँ मेंबर कर पाएगा क्या? जिसके पास नॉलेज रहती है लोग उसी के पास जाते हैं। मेरे पास नॉलेज थी इसलिए मैं इतने जल्दी ग्रो हो गया। तो लोगों को जलन होने लगी कि इतनी जल्दी कैसे निकल गया। तो हेटर्स बहुत ज्यादा पैदा हो गए कि चलो भाई सबका लॉस होता है यार। एक दिन लॉस हो गया, फ्राइडे मार्केट इतना रिस्की था। मैंने सबको कमिटमेंट दिया है कि आ जाओ मंडे के मार्केट में, ना उतार दूं शॉर्ट की बर्फात ना कर दूं। तो कहना भाई जो आपकी एनालिसिस होती है, जो आपकी माइंडसेट होता है, एंड जो आपका आपने इतना गेन किया, वो कहीं भागने वाला नहीं है। एक दिन अगर मार्केट नहीं फॉलो कर रहा है तो यार क्या आप उसको गलत बोल दोगे? एक ही दिन वो भी 3 लॉस दिया, मतलब 2 दिन चला गया यार, तो मैं भगवान थोड़ी ना हूं। तो मैंने सेशन भी तो बंद करवा दिया। और जो 6-7 दिन आपको बैक टू बैक श्योर शॉट दिया था, उसका क्या, वो भूल गए आप लोग? उसका कोई वीडियो बना के नहीं डाले कि ये देखो इतना अच्छा सिग्नल देता है, ये बहुत अच्छा ट्रेडर है, आप इसे लर्निंग लो सिखा देगा। भाई एक काम करो, जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, टेलीग्राम का रिव्यू देख लेना, एंड देख लेना लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, ठीक है? टेलीग्राम पे जाके देख लेना, खुद पता चल जाएगा कौन क्या है। तो वही चीज बोलता हूँ, हमेशा लर्निंग पे फोकस करो, लर्निंग से बाहर कभी मत जाना, नहीं तो ऐसे ही मार्केट में घूमते रहोगे स्कैमर के चक्कर में और फंस के बर्बाद हो जाओगे, ठीक है? तो आपकी लाइफ है, आपका तीर है, आपको कमान चलाना है, कैसे चलाना है वो आप जानो, ठीक है? पीएलटी आग है और आग रहेगी, याद रखना। पीएलटी के जैसे आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो ट्रांसपेरेंटी के साथ आपके साथ रहे और कोई ना होगा। बता रहा हूँ कि हर एक कैंडल को जज करना आना चाहिए। देखो एक चीज याद रखना, बता दे रहा हूँ, एक कैंडल की साइज, ये जो कैंडल की साइज बन रहा है ना, इस कैंडल की साइज देख के इस कैंडल को जज कर सकते हो। तो लोग मुझे कह रहे हैं मेंटोरशिप क्यों चला रहे हो? अरे भाई मेंटोरशिप क्यों चला रहा हूँ, जाके यूट्यूब पे एक बार सीख के दिखाओ मुझे, है इतनी बड़ी लर्निंग वीडियो प्रोवाइड है, आप जाके देखो और सीख के मुझे ट्रेडर बन के दिखा दो। याद रखना दोस्तों, फिर की चीजों की कभी वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैंने अपना पर्सनल मेंटोरशिप लॉन्च किया, जिसमें मैं अपने कुछ गिने चुने बंदे जो सीखना चाहते हैं, प्रॉब्लम है, उनको सिखा रहा हूँ। तो हेटर्स आएंगे यार, अगर आप आगे बढ़ोगे ना तो आपकी टांग खींचने वाले बहुत काफी लोग आ जाएंगे, ठीक है? तो देखो आपको मैं बताने वाला था आपको इमोशन कैसे कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले आपके अकाउंट में $100 ये समझ लो, ठीक है? यहाँ पे आप सेट कर लो 2 या 3, ठीक है? चलो मैं आपको बैक टू बैक इसमें ट्रेड नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपका बता रहा हूँ आपको इमोशन कैसे कंट्रोल करना। अगर आप मान लो कि अगर आप एक ट्रेड लॉस कर जाते हो, ठीक है, तो उसमें आपको हाइपर नहीं होना है, कुछ नहीं होना, आपको अस्थाई से बैठना है। आपको ये सोचना है कि अगर मेरा इनिशियल कैपिटल अगर चला जाता है तो मैं कैसे उसको गेन करूंगा, ठीक है? देखो एक चीज की आदत बनाना, लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि 21 दिन तक जो हैबिट अगर छुड़ाना हो, अगर लगातार 21 दिन तक अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो हैबिट आपकी छूट जाएगी। अगर कोई हैबिट बनाना हो तो 21 दिन तक उसकी प्रैक्टिस करना, लगातार 21 दिन तक आपकी हैबिट बन जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि आप अपने इमोशन को ऐसे नहीं कंट्रोल कर सकते हो मार्केट में, इसमें कुछ पैसा $100, $10, देखो डेमो से कभी नहीं कर पाओगे, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। डेमो से अपने इमोशन को कभी कंट्रोल में नहीं कर पाओगे, क्योंकि डेमो में आपका फेयरनेस, इमोशंस, ग्रीड नहीं आता है बिल्कुल, क्योंकि आपका वो रियल पैसा नहीं रहता है, ठीक है? वो आपका रियल पैसा नहीं रहता है। तो मैंने देखो यहाँ पे $2 की पुट ट्रेड लगा दी, तो मैं ऊपर चला गया मार्केट, थोड़ा सा मैं एक और लगा देता हूँ, क्योंकि मेरी एंट्री काफी लेट हुई है। मेरे अकॉर्डिंग ये मुझे लग रहा है ग्रीन कैंडल थोड़ा सा बन जाएगी, लेकिन इसके नेक्स्ट वाली कैंडल पुट ही आएगी, और अगर यही पुट आ गई तो मेरी प्रेडिक्शन, देखो गाइस प्रेडिक्शन आनी चाहिए, हर एक कैंडल को जज करना आना चाहिए। देखो इस कैंडल पे कुछ भी हो सकता है, इस कैंडल पे कुछ भी हो सकता है। तो देखो आपको अमाउंट थोड़ा सा कम रखना है, अगर एक ट्रेड लॉस जाती है तो फिर उसी फ्रेश माइंड से आना है, एनालिसिस करना है, क्योंकि यार आपका पैसा मेहनत का पैसा है। आपके माँ बाप कैसे ला रहे हैं, आप कैसे कमा के ला रहे हैं, आप समझो। इतना अकाउंट, इतना साइज बनाने के लिए ना बहुत मेहनत किया हूँ दोस्त, 4 साल मार्केट में खपाया हूँ अपना, 16-16 घंटे प्रैक्टिस किया हूँ, और यहाँ पे कुछ लोग आ गए हैं खींचने के लिए, वो भी पूंजी गिराने के लिए, क्योंकि इतनी जल्दी ग्रो में कैसे हो गया भाई? नॉलेज है इसलिए ग्रो हुआ, दिन भर रात भर प्रैक्टिस किया हूँ, मेहनत किया हूँ, तब ग्रो हुआ हूँ, ठीक है? देखो आपको हर एक कैंडल को जज करने आना चाहिए, इस कैंडल की बॉडी क्या बोल रही है, इस कैंडल की विक क्या बोल रही है। देखो गाइस एक चीज बताता हूँ, सिंपल समझ लेना, एक कैंडल फॉर्मेशन सीक्वेंस, उसकी साइज देख के आप नेक्स्ट कैंडल की प्रिडिक्शन कर सकते हो, ठीक है? अगर आपका ये विन हो गया, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे $1 कर देना है, क्योंकि अगर आप ये लॉस भी करोगे ना तो आपका प्रॉफिट में रहोगे। इमोशंस को कंट्रोल करने का एक तरीका बताता हूँ, एक चीज ये अप्लाई करना, हमेशा इमोशंस को अपने कंट्रोल में रख लोगे, ठीक है? 21 दिन तक मनी मैनेजमेंट प्लान फॉलो करना, एंड ये सोचना कि अगर मेरा इनिशियल कैपिटल चला जाएगा तो मैं कहाँ से लाऊंगा पैसा।
अगर आपका इनिशियल कैपिटल चला जाएगा तो आप पैसा कहाँ से लाओगे? ठीक है, मार्केट में हिटर बहुत आते हैं यार, बहुत गिराने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग को मनोबल नहीं हारना, एकदम जम के उनसे लड़ना है। ठीक है, लड़ोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे, याद रखना इस चीज को। तो मैं यहाँ से एक स्कैंडल के खत्म होने के बाद पुट की एंट्री ले लूंगा, बहुत क्लियरली बता रहा हूँ मैं, पुट की एंट्री ले लूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नहीं, यही हल्का सा एक रेजिस्टेंस है जो कि इसके ऊपर क्लोज होगा मार्केट, यही आप देख सकते हो। लेकिन मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड नहीं करता, मैं आपको हमेशा बताया हूँ। ठीक है, मैं मार्केट में बहुत कुछ चीजें देखता हूँ। देख लो आप इसके ऊपर क्लोज हुआ, मैं यहाँ से पुट की ट्रेड ले लिया। ठीक है, मैं दो तीन ले लेता हूँ, क्यों लिया? क्योंकि मार्केट में नॉलेज होनी चाहिए। देखो मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे कभी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मार्केट में आपको हमेशा नॉलेज होना चाहिए, बिना नॉलेज के देखो यार कुछ नहीं कर पाओगे, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, मार्केट देखो तुम्हारे एनालिसिस से कितना भी ऊपर जाए तुम्हें कुछ नहीं फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी एनालिसिस परफेक्ट होगी ना, लास्ट टाइम में तुम्हें वो विन करा के ही जाएगा। और याद रखना एक चीज और बता दे रहा हूँ कि अगर प्रॉफिट कर लेते हो तो एंड अप कर दो, बंद कर दो, अगर बंद किए रहोगे तुम्हारा ही फायदा होगा दोस्त, क्योंकि जितने ज्यादा ट्रेड करोगे उतनी ज्यादा ग्रेडनेस आएंगे, उतनी ज्यादा लालच आएंगे। देखो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ था, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पे पुट की ट्रेड क्यों ली? भाई मेरे पास कॉन्सेप्ट है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है जो मार्केट में अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं हमेशा। ठीक है, लेकिन अगर ये वर्क नहीं किया तो इसके बाद भी मैं नेक्स्ट पुट जाऊंगा, क्योंकि चलो बाउंड्री में एरर आ गया, भाई मैं भगवान नहीं हूँ लेकिन लॉस हो सकता है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इसके नेक्स्ट वाली कैंडल 110% पुट आएगी और यहाँ से मैं अपना लॉस रिकवर करने के लिए कुछ ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक है, तो एक सेकेंड चलो पुट 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 चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे पुट ले लिया, क्योंकि देखो मार्केट में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आप ऐसे मेरी तरह ट्रेडिंग कर सकते हो एंड ट्रेडिंग कर सकते हो एंड लगा सकते हो, क्योंकि देखो तो मार्केट में कोई भगवान नहीं होता, एंड उसको रिकवर करने के लिए आपको हर एक चीज की जरूरत होती है। ठीक है, नॉलेज की जरूरत होती है जो कि किसी के पास नहीं है, कोई प्रोवाइड नहीं करता। अब लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था अप गया, तो भाई लोग बहुत लोग कुछ कहेंगे सर फेक ब्रेकआउट हुआ था, भाई फेक ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट कुछ नहीं होता, ब्रेकआउट होता है, सीधी सिंपल बात सुनो, ब्रेकआउट होता है, वो हल्का सा करे चाहे रियल करे, लोग बताते हैं ना 170% बॉडी 50% बॉडी, अरे कुछ नहीं 70% 50% बॉडी, ब्रेकआउट होता है, चाहे वो हल्का सा ही ब्रेकआउट करे लेकिन ब्रेकआउट होता है, याद रखना ब्रेकआउट होता है। ठीक है, ये चीज बार बार बोल रहा हूँ, ब्रेकआउट ही होता है, एंड मार्केट ट्रैप में आपको कैसे लेता है वो आपको समझना आना चाहिए। ठीक है, तो देखना ये मेरी ट्रेड 110% बन जाएगी, क्योंकि कैंडल कितने भी नखरे करे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरी एनालिसिस पे मुझे पूरा भरोसा है कि ये कैंडल रेड ही बनेगी। तो देखो आपके सामने प्रॉफिट, तो गाइस नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखो मैं देखो याद रखना, हमेशा प्रॉफिट करने के लिए ना आपको घिसना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ, आप सीखो। लोग कहते हैं अपना कोर्स डाल दो, मैं कोर्स नहीं बोलता, मैं अपना पर्सनल मेंटरशिप बोलता हूँ, क्योंकि आज तक जो मैंने गेन किया वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रॉपरली। तो अगर मैं वो सिखाने वाला हूँ ना, तो मैं आपको फ्री में अगर दूंगा ना, तो दोस्त आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे बिल्कुल नहीं। देखो उसी दिन ऐसा मार्केट चल रहा था, फ्राइडे जो दिन बता रहा ना, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ बैक टू बैक रेड, अगर ग्रीन बना दे रहा तो मैं क्या ही करूंगा, आप बताओ। मैं भगवान तो नहीं यार कि मैं प्रिडिक्ट कर लूंगा मार्केट हाँ यहाँ से अप ही लगातार जाएगा। एक लोग बोल रहा था जो वीडियो वायरल किया था, मुझे बोल रहा था कि भाई वीडियो अपलोड किया था, बोल रहा था तुम्हें पता नहीं है मार्केट का टारगेट क्या है। अरे ब्रदर ये बताओ, तुम आज अगर तुम्हें पता होता तुम्हें क्या ही बोलूं यार, है मार्केट का टारगेट कहाँ तक है, तो तुम्हारे अकाउंट में ये क्यों नहीं है, एंड तुम चूतिया बन के क्यों बैठे हो, दूसरे के पीछे क्यों पड़े हो, तुम भी अपना चैनल खोल के ग्रो हो जाओ, क्यों नहीं हो रहे, जो मैं ग्रो हो गया आप मेरी टांग आके खींच रहे हो। अरे भाई टारगेट क्या होता है वो मुझे पता है, तभी आज मैं यहाँ हूँ और तुम वहाँ हो। ठीक है, तो मुझे नॉलेज लेक्चर ना दो, वो मुझे कह रहा है कि ये करो वो करो, भाई हेटर्स बहुत आएंगे आपको गिराने के लिए, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अगर 12-12 कैंडल दोस्त आप ही बताओ अगर ऐसे बना देगा, एक दिन फ्राइडे रिस्की मार्केट होता है बना देगा, तो मैं क्या ही करूंगा आप बताओ। मैं इमोशनल हो गया था उस दिन आपके लोगों के सामने, मैंने क्या ही बताऊं, मैं बोला सबको कि भाई चलो मैं स्टिकर भी डिलीट कर देता हूं, क्योंकि मेरा माइंड ऑफ हो गया, मैंने स्टिकर भी डिलीट कर दिया। तो उसने बोला कि देखो स्कैम है ये वगैरह, तो यार आप लोगों के सामने ही आके बोला था ना सबके कि भाई मेरा माइंड ऑफ हो गया कि लॉस मेरा कैसे चला गया, क्योंकि मैं इतना बैक टू बैक मेरा 3 लॉस 2 लॉस कभी नहीं जाता था। आप बताओ अगर ऐसे 12-12 कैंडल रेड बना दे रहा, 12-12 कैंडल या सब अब 12-12 कैंडल ग्रीन बना देगा रेड बना देगा, तो मैं ही क्या करूंगा। मुझे अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करना चाहिए कि एक दिन का जो मार्केट ऐसा चल रहा है तो मुझे इसको सीखना चाहिए। अगर मेरा 29 दिन कुछ और चल रहा है और अगर एक दिन ऐसा चल रहा है तो मुझे किस पे वर्क करना चाहिए, जिससे मैं 29 दिन प्रॉफिट कर रहा हूँ उस पर मुझे वर्क करना चाहिए ना दोस्त। तो फिर आप बताओ मैं कैसे यहाँ से डाउन लगा दूं लगातार, बताओ। तो वही चीज आपको समझना पड़ेगा, स्कैमर आ गए हैं आपको लूटने के लिए, तो उनसे जरा बच के रहो। तो भाई देखो मैं भी लॉस करता हूँ दोस्त, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं सबको आगे लेके जाने वाला हूँ। अगर जो आना चाहता है, जो जिसको ट्रस्ट है वो आ सकता है, जिसको नहीं ट्रस्ट है वो बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि देखो मैं बैक टू बैक हर एक कैंडल को प्रेडिक्शन करके ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि मेरी आदत हो गई है।
मार्केट में बहुत दिन से, आप ये बताओ यहाँ से ब्रेकआउट हो गया फिर भी मार्केट रिवर्स हो गया, क्योंकि यहाँ से क्यों हुआ, यहाँ पे डब्ल्यू आर एस आर और डब्ल्यू एस बी इन इन सब का कॉन्सेप्ट है, तो इस वजह से मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे ना, अब लोग बोलेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, चलो यहाँ से पुट चलते हैं, अगली कैंडल पे देखना आपके सामने मैं यहीं से पुट अप जाऊंगा, अगली कैंडल पे मैं यहीं से अप जाऊंगा, क्योंकि यार कैंडल की साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी होता है। एंड मैं यहाँ पे 1000 सेंट कर लेता हूँ जरा, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉफिट जरूरी है, आप लोगों को सिखाते सिखाते थोड़ा सा प्रॉफिट कर लूंगा तो मेरा भी दिन दिन बन जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड चलो ठीक हो गया। ठीक है, मुझे मैंने क्या कहा, यहाँ से 110% ये कैंडल अप ही जाएगी। भाई मेरे पास नॉलेज है। अब लोग बोलेंगे ब्रदर यहाँ पे रेजिस्टेंट था तो आपने यहाँ पे अब क्यों लगा दी, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो मेरे हेटर्स हैं तो उनको बताना चाहता हूँ, पहले जाके लर्निंग लो, और एंड आके नहीं कोई सिखा रहा तो आ जाओ फिर भाई मेरे पास ही लर्निंग ले लो, सीख लो, आगे बढ़ो, अपने माँ बाप के सपने पूरे करो, खुद के सपने पूरे करो, लेकिन मेरे हेटर्स मत बनो। अगर प्यार करने वाले बन रहे हो तो बनो यार, नहीं हेटर्स क्यों यार, प्यार दो प्यार लो, हेटर्स बनने की क्या ही जरूरत है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तुम अपना कमाओ, मैं अपना कमा रहा हूँ, नहीं आ रहा कुछ आओ मुझसे बोलो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा क्या क्या मैं मार्केट में देखता हूँ, वो देख के ट्रेडिंग करो। देखो अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि ये रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे, तुमने यहाँ पे अप की ट्रेड लगा दी। भाई अप की ट्रेड लगा दी है ना तो मेरे पास नॉलेज है, इसलिए मैंने यहाँ पे अप की ट्रेड लगा दी है। ठीक है, बिना नॉलेज के मैं आपकी ट्रेड नहीं लगा दिया हूँ। ठीक है, तो देखो गाइस नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बिना नॉलेज के आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखो ये 110% मेरे अकॉर्डिंग ग्रीन कैंडल ही बनेगी, क्योंकि नॉलेज होती है गाइस, अगर आपके पास नॉलेज होगी ना तो आप भी सब कुछ कर पाओगे। देखो यार मार्केट में ना बहुत कुछ होता है, लॉस भी होता है प्रॉफिट भी होता है, तो उसको एक्सेप्ट करके चलना चाहिए। जो ट्रेडर आपको बोल देगा कि मेरा कभी लॉस नहीं होता तो समझ जाना कि वो आपका चूतिया काट रहा है। ठीक है, अब इसका समझना ये डब्ल्यू एस बी आर एस बी एंड डब्ल्यू आर या एस आर का कॉन्सेप्ट होता है मार्केट। देखो हमेशा बोलता हूँ कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी समझा करो, ये कैंडल की बिक क्या बता रही है, कैंडल की बॉडी क्या बता रही है। देखो मैं आपको ट्रेडिंग सिखाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आप ये बताओ अगर मैं यूट्यूब पे ऐसे सब प्रोवाइड कर दूंगा क्या आप सीख लोगे, सब लोग बोलो मैं डाल दूंगा, लेकिन नहीं सीख पाओगे, क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब पे इतने लर्निंग कंटेंट पड़े हैं, आप लोग क्यों नहीं सीख पा रहे हो यार, अगर उससे नहीं सीख पा रहे हो तो इससे क्या सीखोगे बताओ। इसलिए मैं देखो फ्री की चीजों को कभी वैल्यू नहीं होता, वैसे इसलिए सिखा रहा हूँ, आप लोग सीखो आगे बढ़ो, वही पैसा मैं आप लोगों को गिव अवे में बांट दूंगा यार, मैं बहुत निर्छल मन का हूँ तो समझा करो आपकी यार, मैं सोचता हूँ किसी से प्लीज हिट ना करो यार, आप लोग आगे बढ़ो कमाओ, नहीं कोई सिखा रहा है तो मैं आपको सिखा दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। जो प्रूफ मांगा यार सबको दे दिया, विड्रॉल प्रूफ दे दिया, रेवेन्यू टर्नओवर से बनाया हूँ वो भी प्रूफ दे दिया, भाई अब क्या अपने जान दे दूँ, मैंने बोला है ना 10K करवा दो, कल ही मैं अपना सब रिवील कर देता हूँ, फेस वगैरह सब हर एक चीज आ जाता हूँ लीडर बोर्ड पे सबके सामने, बिगेस्ट विड्रॉल दुनिया का बिगेस्ट विड्रॉल दे दूंगा, रैंक 1 पे आके लीडर बोर्ड टॉप पे दिखा दूंगा, करवा के तो दिखाओ, मैं कर रहा हूँ मेहनत होगा मेरा, जल्दी उसी दिन आ जाऊंगा, कोई बता दो मुझे 15-14 दिन के अंदर इतना ग्रो हो जाए। जो आप अगर याद रखना मेरे दोस्त, अगर आप आगे बढ़ रहे हो ना तो आपकी टांग खींचने वाले इतने आ जाएंगे कि आपको नीचे गिराएंगे, तो हैं ऐसे कुछ चूतिए लोग जो आज बहुत लाइव स्ट्रीम में इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, ना क्या ही बताऊं, क्योंकि देना ही पड़ा यार, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर है ना उनके लिए मुझे करना पड़ा, उनको प्रूफ देना पड़ा, क्योंकि जो मैं नहीं चाहता था मैं अपने टारगेट की बात करूंगा, लेकिन चलो छोटा मोटा दे दिया कि देख लो, उसके बाद मैं रिवील करने वाला हूँ 10K 1 दिन जिस दिन हो जाएंगे ना सारा का सारा आपके सामने चिट्ठा खोल दूंगा मैं। तो याद रखना बहुत मेहनत किया है दोस्त, ऐसे मेहनत का कभी किसी की मेहनत का ऐसे मजाक कभी नहीं उड़ाया जाता है, तो आप जो मेरे हेटर हो ना प्लीज आप लोग भी समझो, लर्निंग लो यार आगे बढ़ो, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, आ जाओ आप भी आ जाओ, मैं आपको भी सिखाऊंगा, हेट मत करो दोस्त, प्यार करो, प्यार दो प्यार लो। मैं हमेशा से राधे कृष्ण कीर्तन भजन वाला आदमी हूँ यार, मैं राधे कृष्ण का हमेशा से भक्त रहा हूँ, तो हमेशा प्यार से बोलता हूँ राधे राधे, तो उसी पे भरोसा रखो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, जरूर आगे जाओगे। एंड अगर आपको VIP देखो आ जाओ टेलीग्राम पे, सारे रिव्यू देख लो, और कल बैक टू बैक देखना शेयर शॉर्ट की बरसात करने वाला हो पब्लिक ग्रुप में, तो आ जाना सारे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी लर्निंग वीडियो के साथ। ठीक है, और हेटर से थोड़ा जरा दूर रहना आप लोग। ठीक है।